स्क्रीन देख रही है। देखो बात हो रहा था पार्टिकुलेट्स मैटर के बारे में, ठीक है। तो जो हम लोग पिछला बात किए पार्टिकुलेट्स मैटर, देन अभी जो हम लोग पार्टिकुलेट्स मैटर के अंदर जो एंट्री किए हैं, और हाइड्रोकार्बन, कार्बन, सल्फर, सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ भी चुके हैं। और ये है कि ये यूनिट आपका समाप्त होने वाला है, काफी लंबा चला, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि यदि किसी को डाउट हो, पहले मैं बता दे रहा हूँ, तो एकदम क्लियर कर ले उस टॉपिक से रिलेटेड। आप अपने यूनिट देखिए, उसमें कोई भी अगर डाउट हो तो पर्सनली मैसेज करके मेरे से पूछ लो कि हाँ सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, मैं बता दूंगा। लेकिन टाइम बीत जाने के बाद जो है फिर मैं बताऊंगा, लेकिन फिर पीछे जाने के लिए टाइम देना पड़ेगा जरा अलग से। तो जो भी डाउट्स हैं अगर पहले ही अगर तुम लोग क्लियर कर लोगे तो सही है। जिस यूनिट में आप लोग पढ़ रहे हैं सल्फर के बारे में, वो सल्फर ऑक्साइड्स जो है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो कौन से पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको देखने होंगे और समझने होंगे और जानने होंगे। तो अगर हम एसिड रेन की बात कर रहे हैं तो इसका मुख्य कारण जो होता है एसिड रेन, ठीक है ना, एसिड रेन जो मुख्य कारण होता है वो ऑक्साइड्स होते हैं। हमने कई बार बोल रखा है कि ऑक्साइड्स ये नहीं डिपेंड करता है कि हमारे एटमोसफेयर में किससे जा करके रिएक्शन करें। अभी हाल ही की बात है, 20 अगस्त में एक सर्वे हुआ था गीडा के अंदर, आईजीएल कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी है, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड करके, जो सिंगापुर विनिंग कंपनी है, राइट। अब दिक्कत क्या हो रहा है कि वो इतना पॉल्यूटेंट एरिया हो गया है कि अफेक्ट दे रहा है पूरे के पूरे 5 गांव में, बैडली अफेक्ट। तो लाइव हमारे पास है, एग्जामिन भी कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हो, मैंने शेयर भी कर रखा है, और किसी को चाहिए होगा तो अगेन मैं शेयर भी कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि हम इंजीनियर लोग पढ़ते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं, कि जरा सा टॉपिक से हट करके मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई फैक्ट्री आती है या कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया में, देन रोजगार लोगों को मिलता है, उसके ऊपर भी कई सारे प्रेशर होते हैं, फिर जिनके साथ हो रहा होता है उनके ऊपर भी प्रेशर है। और ऐसा नहीं है जो लोग वहाँ के एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है उस चीज़ के बारे में जानते नहीं है। कई सारे फैक्टर होते हैं, किनको किनको फैक्टर को देखा जाए, तो समय रहते इन फैक्टर पे विचार कर लेना और उस फैक्टर को अपने अनुसार ढालना, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि यहीं से आप निकल करके आगे जाओगे, ठीक। तो कहने को क्या है कि आपको फैक्टर भी पता है, लेकिन क्या होता है कि जो हमें सैलरी मिलती है और उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन होती है, यानी सैलरी सेटिस्फैक्शन, कभी कभी उस भी यहाँ पे हम आवाज नहीं उठाते, कोई भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें गलत होने लगती हैं। अगर कोई वहां का ये है, आप अपनी तरफ से जो गलती हो रही है उसका अपने तरफ से ये दिखा दो कि हाँ भाई हमने इतना इतना कर रखा है, नहीं कोई सुनवाई है, तो दैट्स इट, हाँ तुम्हारे यहाँ पे गलती नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे के केस में अगर सोचो कि कुछ होता है तो ब्लेम तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, गवर्नमेंट की इसकी कोई गलती नहीं है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे हो करके हुई है, ठीक है। तो जो करंट में रहेगा वही अफेक्ट होगा। तो कई सारे इनके बायलॉज होते हैं, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तुम लोग बात करो कि बिल्डिंग का जो सिनेरियो हो रहा है, जीडीओ में जो मैप सबमिशन का होता है, ठीक है, मैप सबमिशन का क्या होता है कि जिस चीज में हम मैप बनाते हैं वो सबमिट नहीं करते हैं, और सबमिट करते हैं तो उसके चार्ज अलग होते हैं, वो फेल कर दिया जाता है। तो अगर घर अगर देखा जाए जीडीओ के मैप के हिसाब से, तो लाइन से तोड़ना पड़ेगा, पूरा लाइन से लाइन, किसी का घर एक नहीं बचेगा, सबका टूटेगा, कोई भी रहे। तो यही सारी चीजों को बदलाव करना है, तो बाकी तुम लोग के हाथ में है, ठीक।
तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे कि जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं किस में आते हैं। जैसे इसके पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कुछ हाइड्रोकार्बन के भी मैं दिखा था, ये सारे क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारा एक ही पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वहाँ पे यही गैसेस होते हैं अवेलेबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट होते हैं। ठीक, अब किन से कैसा रिएक्शन हो रहा है और किस तरीके का वर्क करता है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, जो एसिड रेन होता है, राइट, एसिड रेन जो है, एसिड रेन और एसिड डिकम्पोजिशन अकर्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 केमिकल नेम एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ठीक है ना। ओनली क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा है। क्लियर, रिएक्ट इन एटमॉस्फेयर विद H2O O2 एंड अदर केमिकल टू फॉर्म वेरियस एसिडिक कंपाउंड सच एज HNO3 एंड H2SO4। ठीक, होता क्या है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि जो सल्फर, ऐसा नहीं है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा, नहीं, नॉर्मल एक सल्फर का एलिमेंट होता है जो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के बाद वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। अगर एक है तो सल्फर ऑक्साइड्स हो गया। ठीक है, अब H2O से कैसे कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल। H2O तो भाई पानी में है, पानी को हम H2O समझते हैं, यहीं पे हम गलत होते हैं। जहां पे भी नम वाली जगह होती है वहां पे एयर में ही वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब इंडेक्स में बता रहा था कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं क्या। जहाँ पे भी आर्द्रता ठंडी होती है, मतलब वहाँ पे आपको अंदर जाने पे ठंडा फील होता है, वहाँ पे ऑलरेडी H2O के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तभी ये हो रहा है। देन ऑक्सीजन भी रहता है, O2 भी है आपका। क्लियर, तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है, आपको पता है कि 70 से ऊपर हमारा जो ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर की जो लेवल है, यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है 0 से 80 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, आपको यही कंपाउंड मिल जाते हैं। सिग्निफिकेंट जो उसकी होती है वही कंपाउंड आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, और बाकी के गैसेस होती हैं। 1% आपका वाटर वेपर होता है, आया ना वाटर वेपर 1%, और लेकिन अगर समुद्र जितने हैं उसके हिसाब से देखोगे तो 5% होता है। तो वाटर वेपर है क्या, लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, ये कह सकते हो, या वाटर ड्रॉपलेट्स कह सकते हो, या गैसेस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कह सकते हो। तो ये हवा में मौजूद होती है। अब होता क्या है, नॉर्मल तौर पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो H2O से रिएक्शन करता है, क्योंकि हम वो नम वाली जगह है। अब वो क्या होता है कि वो वेपराइजेशन के फॉर्म में ही ऊपर की तरफ जा सकता है। हो सकता हो कि हैवी क्वांटिटी में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में हैं तो फिर क्या होगा, उससे मिल करके सेटल डाउन हो जाएगा। दूर मत जाओ, जो सुबह के टाइम में पेड़ पत्तों पर जो तुमको पानी मिलता है वो एक तुम्हारे सामने जीता जाता उदाहरण है कि किस तरीके से पत्तियों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको तुम ओस के नाम से जानते हो, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत ब्लंडर रूप से इसे रिएक्शन करता है, और जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है प्लस H3O बनाता है। ठीक है, अब ये जाकर के तुम्हें पता है बादलों का निर्माण ठंडी हवाओं का और गर्म हवाओं का आपस में समायोजन होने के बाद, जो उनकी साइकिल पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद ही बादल बनाता है। वो भी दो तरह का बनाता है बादल, क्या, पहला डस्ट पार्टिकल वाला, एक विदाउट डस्ट पार्टिकल वाला, यानी लाइट क्लाउड एंड हैवी क्लाउड। अब हैवी क्लाउड में डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं इसलिए वो काला होता है और इस तरह से दिखता है, और कई सारे उसमें हो रहता है। तो सोचो अगर तेजाब की वर्षा हो, सल्फ्यूरिक देखो कभी भी आता है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, एसिड मतलब हो गया तुम्हारा अम्ल, ठीक है। अब ये अम्ल कहीं किसी के ऊपर गिरे तो क्या होगा भाई, उसको जलाएगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि उसके लेयर पे एक और लेयर जमा देगा ना, वो क्या करेगा कि तुम्हारे उसको डिफेक्ट करेगा। अब होगा क्या है ऐसे के केस में कि वो डाइल्यूट के फॉर्म में है, देखो पिछला उठा रहा हूँ, सारी ये चीजें तुम को रिलेट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे। अब होता क्या है कि वो डाइल्यूट के केस में है कि कंसंट्रेशन के केस में है, क्लोज है या ओपन है।
ओपन क्लोज में ये भी देखना है अल्कलाइंस के तीनों फॉर्म में है कि नहीं है, अल्कलाइन अल्कलेज अल्कलेन ये वाले फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है, नेचर मेड है या मैन मेड है, सोर्स रिसोर्स क्या है इसके, साइकिल पीरियड क्या है, ये सारी चीज़ें, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कब तक था, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में, हम लोग बस एक एजम्पशन करते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ एसिड रेन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो द एसिड्स फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म्स, दिस कैन इंक्लूड रेन, स्नो, फॉग, हेल एंड इवन डस्ट, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये सभी में विद्यमान होंगे आपके, जैसा कि पहले बताया। अब इसके फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, फॉर्म से आगे बढ़ते हैं, देखो ये फॉर्म किस तरीके से वर्क जो कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, देखो पहला है वेट, दूसरा है ड्राई। वेट और ड्राई में अंतर तुमको पता है, वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। डस्ट पार्टिकल सूखे के फॉर्म में हो सकता है, बाकी उससे रिएक्शन करने के बाद तुम्हें भी पता है कि क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन एसिडिक मटेरियल फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ग्राउंड इन वेट फॉर्म, रेन, स्नो, स्लिट, हेल और फॉग, देन इज कॉल्ड द वेट, ठीक है। अब ये वेट का हो गया, सीधा सा है, वही है जो मैंने बताया। अब क्या है ड्राई वाले का, देख लो ड्राई वाला जो है तुम्हारा, कि वेन एसिड डिपॉजिट ऑन अर्थ सरफेस इन द ड्राई फॉर्म सच एज डस्ट और गैस इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट मतलब जमा होना, समझो यहाँ का सेंस, डिपॉजिट मतलब जमा होना। अब जमा होते जा रहा है, जमा होने के सिस्टम को हम डिपोजिशन कह दिए, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, सूखे के केस में, सॉइल फॉर्मेशन के केस में, या किसी भी डस्ट पार्टिकल से क्रिएट होने के बाद जो उसके ऊपर सेटल डाउन हो जा रहा है, कई सारी चीज़ें हैं, दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर, ठीक है। अब देखो ड्राई में क्या है, डस्ट पार्टिकल जो अंधी उंधी चलती है, जैसे ड्राई का IGL का जीता जागता उदाहरण, आँख खराब कर देती है, स्क्रीन में रेसेस मिल जाते हैं। आज के डेट में तुम्हारा क्या है IGL इस वक्त, अब क्या वजह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि उन्होंने रिफाइनरी अपना सिस्टम सही क्यों नहीं किया, या कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया क्यों नहीं, या लगाया तो काम क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, मुझे नहीं पता। और मैं इस पर कमेंट नहीं कोई कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि नज़दीक में ही है, जस्ट बगल में ही है, तो लाइव एग्जांपल तो बनता है भाई इतने, क्योंकि हम लोग को रिसर्च भी करने के लिए इन्हें सब चीज़ों को दिया जाता, तो जस्ट इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि वेट जो डिपॉजिट हो रहा है और जो ड्राई डिपॉजिट हो रहा है आपको वहां पे मिलेगा, वेट डिपॉजिट हो रहा है वहां की जो पानियां निकल रही हैं वो क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जैसे वाइन है उस तरीके से निकल रही है, खेत जल रहे हैं, ये सारे वेट के ये है। इसको जब तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि व्हाट इज द रीजन। देन अगर ड्राई की बात करें तो जब भी वहाँ पे उस लेन पे कोई जा रहा है तो डस्ट पार्टिकल इतने उड़ रहे हैं कि आंखों में आ रहे, लोग अंधे हो रहे हैं, अस्थमा हो रहा है, कई सारी चीज़ें हैं। तो लोग इसका निवारण क्या निकालेंगे, कहेंगे कि भाई ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, भारत की GDP और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें हैं, हम कर नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनका भी कहना सही हो सकता है, गांव वालों का भी कहना सही हो, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आज उसका रेडियस यही है तो क्या आने वाले टाइम में उसका जो रेडियस है, जो इम्पीरियल इफेक्ट है, क्या रेडियस उतना ही तक रहेगा। अगर किसी भी चीज को, जैसे चीनी और पानी या नमक की बात करो, बचपन से ही उदाहरण पढ़ते हुए आ रहे हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में, तो उसमें आपको देखने को मिला क्या, मिला आपको सिर्फ इतना ही कि चीनी की एक हद तक मात्रा पानी में घुल सकता, उसके बाद डेंस होने पर वो नहीं घुल सकता। तो तुम अल्टीमेट पे स्टेज पे चले जा रहे हो, अल्टीमेट स्टेज पे, उसके बाद अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो चुका है ऑलरेडी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क होता है, ये पता भी है आपको। जब वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है, अब उसके पास कोई भी ऐसा स्पेसी मॉलिक्यूलर नहीं बचा है, सबने अपना बॉन्ड बना करके रख लिया, तो देन होगा क्या, कुछ नहीं, वो रिएक्शन नहीं करेगा।
तो रिएक्शन नहीं करने का मतलब क्या है कि वो स्पेस आपका जो है, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, कोई भी मॉलिक्यूल को एक जगह रहने के लिए उसको स्पेस ऑक्यूपाई करना है। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एज अ ग्लास की बात करूं तो वो ग्लास के सरफेस के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हमारे अर्थ सरफेस की बात करें तो हमारे अर्थ सरफेस में वाइड रेशियो होते हैं, राइट। तो वाइड रेशियो क्या करेगा, आप उसमें भी इम्प्रीवियस लेयर और प्रीवियस लेयर आता, मतलब पारगम्य और अपारगम्य, जिसमें एक फेज में पानी मिलता है, एक फेज में पानी नहीं मिलता है, क्लियर। तो ये तो नीचे रेस्पिरेटरी के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, प्रीटिपिटेशन के फॉर्म में बहते जा रहा है, और जिस जगह नदी नालों से जा रहा है वो भी जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कट करके ड्रेनेज सिस्टम हमारा गया हुआ है वो भी इफेक्ट डाल रहा है, क्लियर है। अब आ जा रही है मेरी, हेलो, कोई एक व्यक्ति बोल रहे, ठीक 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 तो हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था ना यहाँ पे, लिंक दे रहा था बार बार। तो मैं ये कह रहा हूँ इतनी सारी चीजें जो है हद पार करती है, देन हमें क्या सिखाया जाता है, देखो यही चीजें तो हमें तोड़ना है, यही चीजें, ये जो हमारे सामने जो बैरियर है ना, एज ए इंजीनियर तुम्हें पता है हर फील्ड में इंजीनियर हैं, सिवाय एक फील्ड को छोड़ के जो खुद के इंजीनियर के ब्रांच में है, वो खुद के ब्रांच में ना इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके अनदर फील्ड में क्या कर रहा है, भाई इंजीनियरिंग तुमने करा है तो उस फील्ड में रहो ना भाई, ठीक है तुम एकेडमिक चूज कर सकते हो, तुम टेक्निकल चीज चूज कर सकते हो, तुम एनवायरमेंट चूज कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा क्या तुम एचआर डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, ये सारे तो गलती अगले की है भाई, क्यों, क्योंकि अनस्किल्ड, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, डजंट नॉट मैटर जॉब नहीं मिल रही है, खाली है कोई बात नहीं, यू हैव टू स्किल, आपके पास स्किल है, यू विल बी प्रूव योर स्किल, तुम जॉब खुद प्रोवाइड करो ना, जब तुम दूसरों को दोगे तो अपने आप सारे मसले हल होंगे, लेकिन आज की जो डेट की जो सिनेरियो है, मेंटली प्रेशर, घर का रिलेशन वाला जो भी हिसाब किताब है, वो सारे प्रेशर हमारे ऊपर पड़ते हैं, उस सभी प्रेशर को लेकर के हमें आगे बढ़ना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि हम सिर्फ अपने पढ़ाई को सैलरी के कंपेयर में करने लगते हैं। जिस दिन आप ये कंपेयर वाला चीज ले आओगे उस दिन आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे भी डेमोक्रेसी वाला हमारा देश है वैसे भी करप्शन ऐसे ही है, तो ये बंद नहीं हो सकता अपने हद तक जब तक अपने आप को ना सुधारा जाए। तो कई सारे कह तो दिया, आईजीएल के ऊपर मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि हम जानते हुए भी वो चीजों को रोक नहीं सकते, उसका कारण क्या है, क्योंकि चाहते नहीं है। अब एप्लीकेशन फॉर्म घूम रहा है, कुछ भी जा रहा है, कुछ भी आ रहा है, समझना बात को, हम बात करते हैं इवेंट्स की, मतलब किताबी नॉलेज इवेंट्स की, यानी घटनाओं की बात करते हैं, उसमें भी हम प्राइमरी सेकेंडरी एक कॉमन फैक्टर उठा लेते हैं, प्राइमरी इवेंट सेकेंडरी इवेंट, कोई भी चीज उठाओ प्राइमरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कोई भी मेथड उठाओ प्राइमरी मेथड सेकेंडरी मेथड, और नया अगर रिफाइनरी सिस्टम ले आते हैं तो टर्टरी मेथड ले आते हैं, भाई ये आगे की चीजें तो हमको सेम मिल रही है, बदल खाली बस पीछे के नाम है, क्या मतलब बनता है, कोई भी प्रोसेस है फास्ट प्रोसेस स्लो प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस, तो यही तो गलती है, क्योंकि हम वही चीज अडॉप्ट करते हैं जो लिखा हुआ रहता है, प्रैक्टिकली कभी होंगे ही नहीं, तो जब प्रैक्टिकली नहीं होंगे तो आंसर क्या देंगे, तब तो वही हो गया ना, जो पढ़े वो जाने और वही लिखे और जो अगला बताएगा गाइडलाइन वही हम कर रहे हैं, तो फिर काहे का इंजीनियर, क्लियर। तो जहां तक संभव हो सके इन फ्यूचर जिस जिस जगह पे आप लोग जाओ अपने हद तक तो कोशिश करो कि ये चीजें ना हो, ठीक है चलो है, लेकिन ये चीज आगे ना हो, ठीक है होता है 19-20 चलता है इतना, लेकिन इतना भी ना हो कि भाई आगे जान माल का खतरा हो, तो ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, उससे बढ़िया आदमी बेकार ही रहे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये एक इंडेक्स मैंने लगा के रखा हुआ है, हमें बचपन से बाबू पढ़ाया जाता है उसमें केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू, वाटर का पीएच वैल्यू कितने से कितने बेटा लाई करता है, तो इतने से इतने लाई करता है, एक पीएच की वैल्यू गलत बता देने से नंबर हमारे जो टीचर होते थे ऐसा काटते थे कि जैसे कि पूछो मत, उसका कोई हिसाब ही नहीं था कि मतलब मैंने क्या गलती कर दिया। और आज की डेट में सारी चीजें जान रहे हैं, अडॉप्ट भी वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो गलती किसकी है, कोई आपसे ये थोड़ी कहने को आएगा कि तुम कुछ करो, ठीक
ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर च्वाइस है कि तुम अपने से कितने लोगों को जागरूक कर सकते हो, भले तुम कोई एक्शन ना लो, लेकिन अगर अवेयरनेस फैला रहे हो पॉल्यूशन को लेकर के, तो वो अवेयरनेस वही तो एक्शन होगा आने वाले। देखो बदलाव धीरे धीरे होती है, अचानक से नहीं होती है। पॉल्यूशन भी धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं आता। तो धीरे धीरे सिस्टम बदलेगा, धीरे धीरे सभी चीजें सही होंगी, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। एक नॉलेज को दूसरे तक कैसे किस तरह से पहुंचाया जाता है, यही तो काम होता है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर, अलग अलग टीचर को अपॉइंट किया जाता है कि उस चीजों को समझाएं, परफेक्टली बताएं, ठीक है। जैसा कि इंडेक्स में तुमको दिख रहा है, तुम्हें क्या लग रहा होगा कि चलो एक है जीरो से लेकर के यहाँ तक ये काउंटिंग हो गई, अब जीरो से लेकर 6 तक एसिड हो गया, 7 को न्यूट्रलाइज के फॉर्म में रख दिया, और 8 से लेकर के जितना जाएगा वो एल्कलीन के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो एल्कलीन के फॉर्म में होगा तो फिर क्या, बस यही जानोगे ना आप। तो आपको तो ये जानना ना कि 0 pH पे क्या होगा, 1 pH पे क्या होगा, 2 pH पे क्या होगा, और ये जैसे कलर के कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं उसका भी कोई मतलब होगा, तो इसका मतलब है क्या आखिर, ठीक है। तो यही सारी दिक्कतें होती हैं। देखो आदमी जो ड्रिंकिंग वाटर करता है, जो ड्रिंक करता है वाटर का, वो एक्चुअल में कभी भी 7 हो ही नहीं सकता। अगर वो एग्जैक्टली 7 ले ले तो जितने भी शरीर के नर्वस सिस्टम है वो सब के सब फेल हो जाएंगे, ये बात याद रखना। अब ये तो तुम्हारा डॉक्टरी में पढ़ाया जाता है, तो हमें कैसे पता, हम तो इंजीनियर है भाई। तो कहने को ये होता है कि जब नॉलेज आप गेन करोगे, आपका गोल सही रहेगा, आपके डायरेक्शन सही रहेगा, देन आफ्टर दैट आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो। इवन आज जो पॉल्यूशन हो रहा है, तुम लोग बिल्डिंग्स बनाओगे, उदाहरण दूंगा एक छोटा सा इस पे। हेलो, हेलो, यस सर दीजिए। यस सर। देखो अभी क्या है, आने वाले टाइम में सारे इवेंट्स होते रहेंगे, मतलब घटनाएं तो घटती रहेंगी। जैसे अभी इस वक्त इपिक टाइम में चल रहा है क्या कि भूकंप, प्लेटलेट्स के बारे में बात हो रही है। प्लेटलेट्स आपस में पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो चट्टाने, जो प्लेटलेट्स हैं वो आपस में टकराती है, जिससे वाइब्रेशन लोड होता है जो कि ऊपर की तरफ आता है, सेंटर में कम होता है, बाकी वेवलेंथ बढ़ते जाते। तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना है। भाई ट्रेंडिंग क्या होता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। ट्रेंडिंग है क्या, कुछ नहीं, आपके कोर्स में है, आप उसको डीपली पढ़ो, जानो उसके बारे में कि है क्या, आगे क्या कर सकते हो, तब जाकर के आप मार्केट में कुछ नया कर पाओगे। अब अगर इसी बेसिस की बात करूं, जो बेसिक आज के इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी घर बनाए जाते हैं, तो नॉर्मल तौर पे जो घर बना देते हैं उससे लड़ने के लिए, उसके हिसाब से हम घर के अंदर का कल्चर नहीं डेवलप कर पाते। यहाँ पे फेल्योर क्या है, हमारे सिविल इंजीनियर्स के ग्रुप, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एरिया में कोई ठेकेदार को अगर हायर करके घर बना रहा है और सिविल इंजीनियर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, तो क्यों नहीं है। वही ठेकेदार एक घर बनाता है, लेकिन ठेकेदार के पास कोई स्किल नहीं होता। देखो मैं भी अभी मार्केट में हूँ, मैं भी जान रहा हूँ और आप लोग भी जान रहे हो, घर बनता है कौन से सिविल इंजीनियर को जल्दी कोई देता है। नॉर्मल ठेकेदार रहता है, आता है, बात करता है, घर बनाता है, हक मारा गया किसका, इंजीनियर का मारा गया। क्यों मारा गया भाई, समझना क्यों मारा गया। तो आपको ये चीजें समझनी होगी, क्यों, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है भाई, मार्केट ऑलरेडी खराब है, भरोसा नहीं है। और जिनको भरोसा है वो काम करवाते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां हो जाती हैं, ठीक। तो ये सारे बिगेस्ट फैक्टर, कभी कभी इकोनॉमिकल फैक्टर होने की वजह से कोई इंजीनियर को हायर नहीं कर सकता, तो कई सारे फैक्टर हैं, ठीक। तो अगर आज के डेट में जैसे घीडा में आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल रहा है, अगर ऐसे में आपको घर डेवलप करना रहा, तो आप तो नॉर्मल पहले सोचो, तो पहले बेसिक चीजों की शुरुआत तो करो कि अगर हवा चल रहा है तो हवा का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई विंडो नहीं लगाना है, क्योंकि अगर वो विंडो उस साइड रहेगा तो जाहिर सी बात है जितने भी पॉल्यूटेंट्स मैटर हैं, ठीक है, वो आपके घर के अंदर आएंगे, ठीक है। ऐसा क्या करें कि वो बिल्डिंग से कट करके हवा निकल जाए, ऐसा हम जमीन के अंदर कौन सी खुदाई करें कि जो सॉइल के अंदर वाइड रेशियो होता है, जो कि वाइड रेशियो या तो हवा लेता है या तो वाटर लेता है, ठीक है, वो चीजें ना हो। आप पानी को अंदर इनहेल कर रहे हो, प्रीवियस लेयर को अंदर तक लेके जा रहे हो, तो उसमें ऐसा क्या सेपरेशन करो कि जो पानी आ रहा है वो फिल्टर होकर के आए,
तब जा करके एक अच्छा होगा। बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग को ऐसा बिल्डिंग बनाओ कि बिल्डिंग के अंदर जो नगर निगम से बिजली आ रही है, बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसा क्या सिस्टम करके रखा हुआ है कि घर खुद से ही अपना बिजली बनाए और बिजली उत्पादन करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब बारिश की पानी होती है, हमने कोर्स में पढ़ रखा है, आगे आप लोग भी पढ़ोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को रिचार्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी जो पृथ्वी की सतह में चला जाता है हम पानी को निकालते हैं, तो गवर्नमेंट से भी हमको आदेश लेना होता है कि इतने फीट तक हमको पाइप को अंदर डालना है और उतना ही वाटर लेवल हमको लेना है। तो फिर हम ऐसा उतने ही एरिया के अंदर हम कैसा सिस्टम बनाए कि जो बारिश की पानी आकर के उस जगह पे आकर के इकट्ठा हो जाए और घर में ना नमी हो ना दीमक हो, कौन बताएगा। तो ये सारे सिस्टम है, जब इन सब चीज़ों को आप अपने पढ़ाई के साथ जब एडॉप्ट करोगे तब जा करके आप कुछ भी कर सकते हो, तब आपको रोजगार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आप खुद इतने बड़े स्किल एक्वायर्ड हो गए कि लोगों को बताओगे और देन कहोगे ये दैट इज रॉन्ग दैट इज राइट, यू विल चूज दिस पाथ यू विल गो दिस पाथ, ठीक है। तो ये सारे परफॉर्मेंस होते हैं जो खुद के ऊपर आता है, नहीं तो ऐसे क्या होता है किसी भी जगह की बात करूँ, इवन मैं भी बीटेक किया, हर चीज किया, निकला प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये बस बात यहीं तक खत्म हो जाती है। उसके अलावा आगे क्या होता है कि जॉब के लिए ढूंढना, यार मेरा कहीं फोन लगा दो यार रेफरेंस दे दोगे तभी होगा, क्या जरूरत है रेफरेंस देने का, खुद का चालू करो नहीं जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। तो पॉल्यूशन पे हमें ध्यान तो देना होगा, तो जितना हद तक हो सकता है आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 20 तारीख का न्यूज था और आज मुझे पता चला इतने लेट में, तो बुरा लगता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो प्योर वाटर का जो है पीएच 7 है, प्योर वाटर जिसको हम पी नहीं सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। अब देखो नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है, हमारे पीएच वैल्यू जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है 5.4 से लगाए 5.6 के बीच में है। अच्छा अटेंडेंस आज का भेज देना, टाइम इज लेफ्ट, ठीक है 10 मिनट और बाकी है। तो नॉर्मल जो रेन वाटर होती है उसकी पीएच वैल्यू, सोचो यार पीएच वैल्यू, हम एसिड में है, अब तुमको समझ में आ रहा कि हम एसिड में हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 5.4 से लगाए 5.6 यानी 0.2 का अंतर है। और एसिड रेन के स्केल को जाने के लिए 4.2 से लगाए 4.4 का है। तो अगर इसको आंको, अगर दोनों में कंपेयर करो तो क्या है 5.4 से और 4.4 को अगर माइनस करोगे तो 1 का अंतर आएगा, केवल 1 का। अगर काउंटिंग में देखो तो 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर, कहते हैं ना कि बारिश इतना एमएम पे हुआ, इतना एमएम क्यूब पे बारिश हुई है, सोचो वो 10 एमएम की बात कर रहा है। ये दिन ज्यादा दूर नहीं कि जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें एनवायरनमेंट है, पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टिंग कर रहे हैं, कंफर्ट जोन को आगे बढ़ा रहे हैं, कौन सोचेगा इन सभी चीजों को। नए नए प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करना इट इज नॉट इजी, ठीक है, क्योंकि आपको सभी मेथड को आपको देखना रहता है। बस हमारे क्या है, अडॉप्ट एंड पिक एंड अप्लाई एंड कॉपी एंड राइट, यही है, यही करते हुए आ रहे हैं। तो इस चीज से हमें निकलना होगा तभी कुछ अच्छा होगा, अदरवाइज फॉलो तो सब कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, ठीक। नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिड, वाई, क्यों है ये, ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो है ऐसा हमें प्रभाव क्यों नहीं देता है, क्योंकि देखो हमारा जो शरीर का जो सहने की क्षमता है हमारे अंदर ऑलरेडी इतने सारे एसिड्स हैं। जैसे हमारे पेट की बात करूं तो पेट में आपका जो पेप्सिन थेप्सिन नाम के चैम्बर बने हुए हैं, जो लिक्विड निकलती है, क्लोरेट निकलती है, वो 2400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, सोचो 2400 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ, और नॉर्मल हमारे शरीर के अंदर होती है वो पता नहीं चलती है। हर 7 दिन के अंदर जो होता है पेट जो है हमारा वो एक लेयर बिछाता है, तो सोचो इतनी हीट है, ऑलरेडी हीट होने के बावजूद भी हम इतना नहीं वो कर सकते हैं। इसका इंडेक्स, बात समझना, इसका जो मैं 2400 डिग्री सेल्सियस बता रहा हूँ वो टेम्परेचर हीट हो रहा है, हीट और टेम्परेचर अंतर है, ऐसा नहीं है कि इतना है तो इतने के बराबर है, नहीं नहीं, इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो हीट है उसकी हीट इंडेक्स अलग होती है, और जो नॉर्मल बाहर का हीट इंडेक्स होता है वो एक अलग होता है,
ठीक है, दोनों में फैक्टर है। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि हमारा बॉडी के अंदर इतने सारे बायोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं कि जो उस चीज को एडॉप्ट करते हैं खुद, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं वो कई सारे छिद्र, अभी तुम माइक्रोस्कोप से देखो पता चले या ना चले, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्कोप से देखोगे ठीक है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे एक सेल्स पार्टिकल में या हेयर थ्रेड में कितने सारे एंजाइम मिले हुए हो और क्या क्या इनके हैं। थ्रेड के अंदर थ्रेड मिलेगा, कोर मिलेगा, फिर बैक्टीरिया के मूवेबल स्टेट मिलेंगे तुम्हें, तो कई सारी चीजें। तो होता क्या है कि ये जो चीजें हैं हम इतना तक अडॉप्ट कर सकते हैं, इतना ले सकते हैं और हम चल सकते हैं, यही वो मेन कारण है। लोग कहते हैं ना कि पानी में ज्यादातर काम करने में हाथों की उंगलियां या कुछ तरीके के सिकुड़ जाती है, कुछ रैसेस टाइप की पड़ जाती है, फिर कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाती है, उसका सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कास्टिक से। जब आप सर्फ में या पानी में लगातार काम करते हो तो जो उसकी अम्लता है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से पानी में वो आपके क्या कहते हैं रेसेस हैंड पे आ जाते हैं। और कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि वो पानी में रहते रहते, देखो ये मिथ है जो कि रियल नहीं है, ये मिथ है, वो ये क्या कहता है कि इसलिए आ जाता है कि पानी में पकड़ बना सके, इसलिए हाथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है और वो अपने आप ग्रिप बना देता है कि ताकि पानी के अंदर वो करे। तो तुम किस चीज को अडॉप्ट करोगे, दोनों बातें तो तुम्हारे सामने है। तुम केमिकल लो चलोगे या शरीर के बायोलॉजिकल को लेकर के चलोगे, तुम लोगे क्या, किसके फैक्ट को मानोगे। तो स्टडी इज द बेस्ट आइडिया, जब तुम किसी चीज के तह तक जाओगे तभी तुमको गुड रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे यही ये कह रहा है कि जो भी चीजें हैं आपके पास ठीक है वो एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, देन उसके बाद नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी चीज की हैबिटेबल जोन होती है। आप देखो छोटे तौर पे मैं बताऊं कि अगर शुरू से जो बंदा मेहनत कर रहा है वो मेहनत करने से भागेगा नहीं, लेकिन अभी कोई नए बंदे को कह दो काम करने को तो वो भागेगा, क्यों, क्योंकि आदत नहीं है। अगर उसे उतना काम करा लो, 8 के बजाय तुम 12 घंटा काम करा लोगे तो उसका तबीयत जाहिर सी बात है खराब होगा, क्यों, क्योंकि उस चीज की हैबिट नहीं है। लेकिन वही बंदा काम करते 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 अगर हैबिचुअल हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो पर डे का है, फिर वो उससे कम भी काम कर सकता है, उससे ऊपर भी काम कर सकता है। तभी हम इस चीज को लेवल कहते हैं, ये लेवल क्रॉस होती है ठीक है। और ये देखो जो मैं बता रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 मिनट में 4, दिस बिकॉज इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स, ठीक है, मेटलिक एसिड कार्बन क्या है, H2CO3 बिफोर, ये सारी चीजें मिल रहा है। तो देखो तुम्हारा ये एटमॉस्फेयर में मिलता है H2O, जो आई लिखा हुआ है ठीक है ना, आ गया पेन मेरा, ये रहा, देखो ये जो है तुमको मिल रहा है H2O। अब ये रहा तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, अब मोनोऑक्साइड भी तो जान ही रहे हो ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, AQ, देखो ये AQ बना रहा है। AQ का कई सारे चीजों से सिंबल होता है, AQ का मतलब एक्वा हो गया ठीक है ना, अब एक्वा भी हो सकता है अजीज गैसियस हो गया तुम्हारा, ये एनायन के फॉर्म में है ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्या होता है कि कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, और ऐसा नहीं है कि हम बस एजम्पशन है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे वातावरण में इतने विभिन्न प्रकार के गैस हैं जो कि पीरियोडिक टेबल्स को फॉलो कर रहा है या पीरियोडिक टेबल्स को देख करके एलिमेंट की खोज हुई और उसको हिसाब से हमने जाना है इन सारे तत्वों को, देन हम जो भी काम करेंगे इसी के बीच में रहेंगे। जो हमारा यूनिट बैठता है, प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे भी बैठता है, जहाँ पे भी बैठाया जाता है, जहाँ पे भी उसको मिलता है, वहाँ क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये मशीनरी पार्ट लगा हुआ है, ये इक्विपमेंट है, हैवी इक्विपमेंट है, तो इस तरीके का आपको एम्पिरिकल इम्पैक्ट दे रहा है जिसके वजह से सारे हैजर्ड एरियाज के फॉर्म में आ रहा है। अब चाहे वो स्लो प्रोसेस में हो या फास्ट प्रोसेस में हो, अब पावर प्लांट में सारे वो भी तो पोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन बोनस में आपको मिलता क्या है, सल्फर ऑक्साइड्स मिलते हैं। और उससे पहले अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो सारे चीज़ें मिलता, बस उसमें क्या नहीं मिलता है, सल्फर ऑक्साइड्स नहीं मिलते हैं। तो जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, तो आखिर इतने सालों में पोल्यूशन रेटिंग बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है ठीक है। और ऐसे में क्या, कब तक ह्यूमन जो लाइफ है, पहले लोग बहुत सालों तक जीते थे, तुम सर्वे करना तुमको रिपोर्ट भी मिलेगा, और आज के टाइम में लोगों की आयु कम हो रही है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब 60 से लोग 30 पे आएंगे, 30 से 20 पे आएंगे, 20 से 10 पे आएंगे, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए अवेयर किया जा रहा है सभी लोगों को।
कि ताकि ये जो प्रोसेस जो पीछे हमारे लोग पीढ़ी थी वो जो गलती कर आए हैं उस गलती को हम सुधार सके। कम तो नहीं किया जा सकता, ये बात सच है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और ये 1% भी अगर कंट्रोल हो गया तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा। क्लियर है? तो किसी को भी अगर डाउट है या वो लिंक अगर चाहिए होगा गीडा वाला तो मुझे मैसेज कर देगा, मैं शेयर कर दूंगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है। बाकी जैसा भी सीन होता है या कोई कंफ्यूजन होता है अब तक, क्योंकि ये यूनिट खत्म होने वाला है, ठीक, इसके बाद बस खाली यही इफेक्ट जिक्र करना होगा कि इसका प्रभाव मनुष्यों पर, जंतुओं पर और पेड़ पौधों पर क्या होता है। इसके अलावा ये सिलेबस में मैं ये भी तुम लोगों को बता दूंगा एक्स्ट्रा में कि जितने भी नॉन लिविंग्स मैटर्स हैं, मतलब मरे हुए जैसे जो क्या होते हैं, जैसे टेबल में ये हो गया नॉन लिविंग्स थिंग है, मैटर्स मेरे मुंह से निकल गया, तो उसके ऊपर कैसा उसका रिएक्शन होता है और किस तरीके से वो इफेक्ट डालता है, ये भी सारी चीज़ें जानकारी दूंगा। ये यूनिट खत्म होने वाला है, जो भी डाउट हो मैसेज कर लेना, पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और अटेंडेंस आप लोग जो है भेज दो। किसी को अभी तक कोई डाउट? ठीक है।